नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यूपी के हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़। इस हादसे में मरने वालों की अब तक 100 से अधिक लोगों की जाने जा चुकी हैं और संख्या इससे भी ज्यादा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अब हम आपको विस्तार से बताते चले कि भोले बाबा का असली नाम नारायण साकार हरि है। सत्संग में ये बाबा कहते हैं कि मैं पहले आईबी में नौकरी करता था। हाथरस के सत्संग में हजारों लोग जुटे थे जिसमें महिलाएं और बच्चे ज्यादा थे। अब ये भी सवाल है कि वहां इतनी भीड़ जुटी तो वहां के डीएमएसपी ने आयोजन समिति संघ मिलकर सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम किए थे। पत्रकारों ने जब सत्संग की अनुमति, राहत बचाव कार्यों में लापरवाही, संसाधनों के अभाव पर सवाल किए तो जिलाधिकारी हाथरस बचते नजर आए और एसपी हाथरस के साथ चलते बने। तो वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार एटा जिला अस्पताल में 27 और सीएचसी सिकंदरा राव में 50 से 60 शव लाए गए। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में मंगलवार को सिकंदरा राव कोतवाली क्षेत्र स्थित रति भानपुर में सत्संग के बाद मची भगदड़ में अब तक 100 से अधिक लोगों की जान चली गई। हादसे में एटा जिला अस्पताल में 27 और सीएचसी सिकंदरा राव में 50 से 60 लोगों के शव लाए गए हैं। जिलाधिकारी आशीष कुमार ने कहा कि हादसे में 50 से 60 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि घटना की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। इस पूरी घटना को लेकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दुख जताया है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति एसडीएम ने दी थी और ये एक निजी आयोजन था। मामले की जाँच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। प्रशासन की प्राथमिकता घायलों और मृतकों के परिजनों को हर संभव मदद मुहैया कराना है। इस हादसे को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में हुई दुर्घटना में महिलाओं और बच्चों सहित अनेक श्रद्धालुओं की मृत्यु का समाचार हृदय विदारक है। मैं अपने परिवारजनों को खोने वाले लोगों के प्रति गहन शोक संवेदना व्यक्त करती हूँ तथा घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। तो वहीं इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में सदन की कार्यवाही के दौरान हाथरस हादसे में मृतकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि मैं भरोसा देता हूं पीड़ितों की हर संभव सहायता की जाएगी। अभी मुझे एक दुखद खबर भी दी गई है। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को यह भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी। ज्योति, क्या हुआ है? कितने लोग इसमें घायल या डेथ हुए? बहुत लोग थे। क्या पूरा काल हुआ, कैसे घटना है? हम सत्संग में गए थे, साल थी, वहां पर बहुत सारी भीड़ हो रही थी। अचानक सत्संग खत्म हो गया, वहां पर बहुत सारी भीड़ हो रही थी। रास्ता जाम हो रहा था, लकड़ने के लिए जगह नहीं थी। तो एक हम खेत की तरफ से निकल रहे थे, वहाँ बहुत सारी बाइक खड़ी थी और मम्मी देख रही थी। तो अचानक ही धक्का हो गई, जगह नहीं थी पांव डालने की। तो अचानक ही बहुत सारे लोग उनके नीचे डर गए, उनकी तो मौत हो गई। मेरे साथ आई थी, गड्ढे में गिर गए थे या भगदड़ हो गई थी, भगदड़ के नीचे दब गए? हम दबने की जगह नहीं थी, एक दूसरे में धक्का दे रहे थे। नीचे जगह थी, उसी नीचे जगह पे एक मोटरसाइकिल खड़ी थी, हम ऊंचे पे खड़े थे, अचानक ही गिर गए एकदम। अचानक ऐसा क्या हुआ जो भगदड़ हो गई? विशाल सस बोले सत्संग खत्म हुआ, जब जनता जा रही थी तब ऐसा हुआ, सबको लगाने की पड़ रही थी। अच्छा, कितना बेटा, कितने लोगों को ऐसा लगता घायल हुए या डेथ हुई? बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग हैं। दो घंटा हो गए, इनके पास पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कांड हुआ है। पुलिस प्रशासन ने एक रोड जो बंद था,
जाम लगा हुआ था रात 11 बजे से, वो जाम खुलवाया पुलिस प्रशासन ने और उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।